हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैलेंचू को नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे सेव किया जाए। तो देखिए गाइस, ये मेरे हाइब्रिड कैलेंचू हैं जिन्होंने विंटर के अंदर ढेरों फ्लावर्स दिए थे और अभी भी कुछ फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अब इनका सीजन जो है वैसे ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें इन्हें अगले सीजन के लिए सेव कर लेना चाहिए। इसके लिए हम एक गमले के अंदर 50% गार्डन सॉइल, उसके अंदर 30% सैंड और 20% कंपोस्ट मिलाकर सॉइल मीडिया तैयार कर लेंगे। और फिर हमारे जितने भी ये फ्लावर्स की स्टॉक्स हैं, इनको सबसे पहले हम कट कर लेंगे इस तरीके से। मैं इन सब की स्टॉक कट करने के बाद में मिलती हूँ आपसे। हाँ, तो ये मैंने सभी जो इसके स्पेंट फ्लावर थे उनकी स्टॉक्स को काट लिए हैं और अब हम इन प्लांटर में से इन पौधों को निकाल लेंगे। चारों तरफ से इस तरह से हम मिट्टी को ढीला करके इन्हें बाहर निकाल लेंगे। मिट्टी को लूज करने के बाद में फिर उंगलियों का इस तरह से सपोर्ट देते हुए हम प्लांटर में से ये प्लांट्स को बाहर निकाल लेंगे। और फिर एक 8 इंची पॉट के अंदर हम 2 से 3 प्लांट्स जो हैं वो इस तरीके से लगा सकेंगे। अगर आपके प्लांट्स में कुछ इस तरह की कटी फटी या सूखी लीव्स हो तो उन्हें भी चेक कर लें और उन्हें भी रिमूव करें, ताकि आपका प्लांट जो है स्वस्थ और हेल्दी रहे और अच्छी ग्रोथ करे। तो इस तरह की लीव्स को जो है वो हम हटा देंगे। ये इस तरीके से हमने सारे प्लांट्स को लगा लिया है। अगर आपके प्लांट लेगी होते तो आप उनकी इस तरीके से यहाँ से इस जगह से कटर से कटिंग करके उनकी खूब सारी कटिंग्स भी इस तरीके से लगा सकते थे किसी एक ही प्लांटर के अंदर। और फिर ये जो बचा हुआ स्पेस है इसके अंदर हम जो अभी सॉइल मीडिया हमने तैयार किया था उसे ही इसके चारों तरफ डाल के हम इसको फिल कर देंगे। अब हम प्लांट्स को वाटरिंग करेंगे और उसके बाद इसे तेज़ धूप से बचाने के लिए किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां इसे मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटा तक की धूप मिले। साथ ही इसे ओवर वाटरिंग से और रेनी सीजन में भी बारिश के पानी से हमें बचाना होगा। अगर आप इसे अभी समर्स में और रेनी सीजन में बचा लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर के अंदर आपके पास बहुत सारे कैलेंचू के जो है नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। इनके पास से नए नए बेबी प्लांट्स निकल जाएंगे, उनसे भी आप न्यू प्लांट्स जो हैं वो
प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इनकी कटिंग को नवंबर के मंथ में लगाकर उससे भी आप ढेरों जो है फ्री के अंदर कैलेंचू के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कैलेंचू को नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।